स्कूल के इन जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। ये ऐसा कौन सा जानवर है जिसको पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है, और ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपने तोड़ दिया? कैसे ये मधुमक्खियाँ एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अलग कलर का हनी देती हैं? और इन बचपन के खिलौनों के सीक्रेट के बारे में आप नहीं जानते थे? वीडियो बहुत ही गजब होने वाली है, तो इसको लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। नंबर 17, क्या आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब कभी भी सॉल्व होने के लिए नहीं बना था? रूबिक क्यूब की स्टार्टिंग होती है 1974 में, जिसे हंगरी के एक प्रोफेसर एर्नो रूबिक ने बनाया था। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे बच्चों को 3D शेप्स इजीली समझ आएं। लेकिन जब उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया, तब उन्हें नहीं लगता था कि ये कभी सॉल्व हो पाएगा। लेकिन महीनों बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया, जिसके बाद इसे शॉप्स पर सेल के लिए लगाने लगे। और इसका क्रेज आज तक इतना बढ़ गया है कि इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिसमें लोग कुछ सेकंड्स में ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। पोकेमोन कार्ड्स आप में से कई लोगों ने खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इसका वो पर्पस नहीं था जिसके लिए इसे बनाया गया था। पोकेमोन कार्ड्स को ओरिजिनली बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कार्ड्स बस ट्रेंडिंग और कलेक्शन के लिए रह गई, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2021 में एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने पिकाचू के कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। बाप रे। नंबर 16, 2023 का वर्ल्ड कप तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे कैमरास, एड्स, ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि 2023 के वर्ल्ड कप को कैसे और कहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसमें आप बड़े बड़े कंट्रोल सेंटर और कैमरा डिस्प्लेस को देख सकते हो कि वो कितने सारे लगे हैं और किस टाइम पर क्या दिखाना है। ये सब इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो सच में बहुत मुश्किल लग रहा है। नंबर 15, आखिर ये लकड़ी ग्रेविटी को धूल चटाते हुए पानी के ऊपर कैसे जा रही है? क्या ये जादू है? इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहा जाता है, जो हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है, पर अंदर से ये खोखली है और इसकी सांप जैसी बनावट की वजह से ये पानी की धार के उल्टी तरफ चल पाती है। नंबर 14, अर्नोल्ड शोनबर्ग नाम के एक म्यूजिक कंपोजर थे जो अपने जमाने में बहुत फेमस थे, लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में आपको जानकर विश्वास नहीं होगा। असल में इन्हें ट्रिस्काइड का फोबिया था, जिस फोबिया में इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी डेथ 76 इयर्स की एज में हुई थी, और अगर आप 7+6 करोगे तो फिर से 13 आएगा, मतलब जिस चीज का इन्हें डर था वही इन्हें ले डूबा। नंबर 13, आपके घर में भी सीजर्स जरूर होंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद सीजर्स डल हो जाती हैं, जिससे वो किसी काम की नहीं रहती, लेकिन इस सिंपल ट्रिक से आप उन्हें काम करने लायक बना सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको सीजर से एल्यूमिनियम शीट को कट करना है, जिससे आपकी सीजर शार्प हो जाएंगी। क्यों, है ना कमाल का? नंबर 12, भाई ये जानवर इंसान से कम नहीं, ये छोटे से जानवर से इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे इंसानों को स्पाइसी खाना पसंद है, वैसे ही ये ट्री श्रू भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, मतलब पानी पूरी जैसा तीखा खाना इनको पसंद आ सकता है। नंबर 11, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंसान कौन है? अगर नहीं तो बता दूं कि वो थे आप, लेकिन बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर सेकंड 4.3 बर्थ्स होते हैं। तो आप जैसे ही पैदा हुए तो उसके कुछ मिली सेकंड बाद ही कोई आसमान से फिर से टपक गया होगा। नंबर 10, इस बंदे का नाम स्टीवन प्रॉयट है, जिसने 30 लाख से भी ज्यादा एडिट्स किए हैं विकिपीडिया पर। इतना ही नहीं, 35,000 से भी ज्यादा फुल आर्टिकल्स लिखे हैं, जिनसे लोग शायद दुनिया के खत्म होने तक बेनिफिट लेते रहेंगे। सच में गजब है यार, ये बंदा पूरी दुनिया को फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और शायद आपने भी कभी इस बंदे के लिखे हुए नोट्स लिए होंगे। नंबर 9, आखिर कैसे सिर्फ एक गलती की वजह से आज छोटे बच्चों के गुल्लक को पिगी बैंक कहा जाता है? मिडिल एजेस के टाइम पर जब मेटल के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब एक पिग नाम की एक मिट्टी आती थी जिसके वो बर्तन बनाया करते थे, और उसी में वो पैसे भी रखते थे, और जिन पॉट्स में बस पैसा रखा जाता था। और क्योंकि पहले की इंग्लिश आज से बहुत ज्यादा अलग थी, इसी वजह से जब यूरोपियन से पिग पॉट्स और पिग बैंक्स बनाने की रिक्वेस्ट आई, तो उन्होंने उसे पिग की शेप में ही बना दिया, और लोगों ने उसे आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, जिस वजह से आज तक इसे पिगी बैंक ही कहा जाता है, ना कि कुत्ता या डायनासोर। नंबर 8, ये जापानीज बंदर दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। जापान के यकुशिमा आइलैंड पर मैक्यू नाम के बंदर रहते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हैं, और मजे लेने के लिए स्नोबॉल्स के साथ खेलते हैं। और ये तो बस ट्रेलर था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठकर जाते हैं, जिसके बदले में ये डियर की साफ सफाई और बदले में उसके साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। नंबर 7, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चिप्स या फिर स्नैक खाते हैं तो उसका जो मसाला है वो हमारी उंगली पर लग जाता है, और इसका कमाल का सोल्यूशन डोरिटोज लेके आया है। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एकदम डोरिटो के पैकेट जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक टॉवल होता है, यानी कि
आप अपने चिप्स के पैकेट को इस बड़े से पैकेट में डाल सकते हो और उसके बाद आप आराम से अपने चिप्स को खा सकते हो। और खाते हुए ही आप इसी बैग पर अपनी उंगलियां साफ कर सकते हो। और ये बैग पूरे तरीके से रियूजेबल और वॉशेबल है, यानी कि आप इसे धोने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी उंगलियों को मसाले से बचा सकते हो। नंबर 6, ये जो लेजर होती है ना, इनसे आप इतने बड़े पेड़ तक भी काट सकते हो। इस वाली से नहीं बल्कि इस वाली से। इसमें ये लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पहले टारगेट को लॉक करते हैं और उसके बाद बस एक बीम से पेड़ को काट देते हैं। यूजुअली इतनी ऊपर से पेड़ को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन इस लेजर वाले गन की वजह से नीचे बैठे बैठे ही पेड़ को काटा जा सकता है। ये इंसानों के लिए बहुत सेफ हो जाता है, लेकिन उसी के साथ ये काफी रिस्की भी है क्योंकि ये लेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बर्ड्स के साथ साथ और कई चीजों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, अगर आप यूके के कॉइन्स को एक साथ जोड़ोगे तो भाई आपको एक गजब की चीज दिखेगी। जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तो वो कुछ ऐसा शील्ड बनता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोइंसिडेंस हो गई है, बल्कि इसे एक्चुअली में ऐसा ही बनाया गया था। दरअसल उन्होंने जानबूझकर कॉइन्स के डिजाइन में शील्ड के अलग अलग पार्ट्स को ड्रॉ किया है, और जब इन सारे कॉइन्स को एक पर्टिकुलर एंगल में रखा जाता है तो ये एकदम शील्ड की तरह लगते हैं। और इसे देखने के लिए आपको सारे यूके के कॉइन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंडियन कॉइन्स में भी कैसा डिजाइन होता तो काफी इंटरेस्टिंग होता। नंबर 4, बनाना खाने से आप खुश हो सकते हो, मतलब हैप्पी हो सकते हो। बनाना में ट्रिप्टोफन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, और जब इंसान बनाना खाता है तो ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेरोटोनिन से हमें खुशी मिलती है, यानी कि आप इसे हैप्पी केमिकल भी कह सकते हो। और इसी केमिकल का इस्तेमाल एंटी डिप्रेसिंग पिल्स बनाने में भी होता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है या फिर जो बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर उनको खास तरीके की एंटी डिप्रेशन पिल देते हैं जो कि इन्हें खुश रहने में मदद करती है। और इन डिप्रेशन पिल्स में बनाना के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 3, ये मधुमक्खियां बस एक कैंडी फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अपने शहद का कलर अलग देती हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, बताता हूँ। ये मधुमक्खियां ब्लू और ग्रीन कलर का हनी भी बनाती हैं, वो भी कहीं और नहीं बल्कि इस कैंडी फैक्ट्री के आसपास रहने वाली मधुमक्खियां। दरअसल M&M कैंडी फैक्ट्री के आसपास में कुछ मधुमक्खियों के छत्ते थे और उन मधुमक्खियों को फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जिसके बाद ये अंदर से मीठी कैंडीज खाने लगी। और फिर कुछ वक्त बाद देखा गया तो इनके छत्ते से ब्लू या फिर ग्रीन कलर का हनी निकल रहा था, और ऐसा आसपास के सारे हनीकॉम्ब्स के साथ हो रहा था, क्योंकि हनी बीज उसी चीज का हनी बनाती हैं जो वो कंज्यूम करती हैं। इसी वजह से अलग अलग फ्लावर्स और प्लांट्स के आसपास रहने की वजह से उनका हनी डिफरेंट होता है। कई बार तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के पास हनी बनाने से उस हनी में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नंबर 2, पुराने टाइम की वॉशिंग मशीन देखी है? नहीं तो ये देखो, इसे आप नेचुरल वॉशिंग मशीन भी कह सकते हो। दरअसल ये वॉशिंग मशीन पूरे तरीके से बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करती है। इसे बनाने के लिए किसी नेचुरल वाटर स्ट्रीम को लिया जाता है और इसमें फिर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया जाता है, और उसके बाद एक बकेट ली जाती है जिसमें कपड़े को डाला जाता है, और इस बकेट में जाने के लिए पानी को बस एक तरफ से ही भेजा जाता है ताकि पानी गोल गोल घूम सके, जिससे वो बिल्कुल किसी वॉशिंग मशीन की तरह ही घूमता है और सारा गंदा पानी नीचे से निकल जाता है। ये एकदम कमाल का तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली ये वॉशिंग मशीन जितना अच्छा नहीं है। नंबर 1, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट्स देते हैं, और पनिशमेंट्स देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट्स को इतना आगे ले जाते हैं कि लिमिट्स ही क्रॉस हो जाती हैं। जैसे नॉर्मल स्केल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल्स में होती है, और कई बार तो ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में फिजिकल पनिशमेंट्स बैन हो चुकी हैं। फिर भी कुछ स्कूल्स में ये अभी भी होती हैं, लेकिन कुछ पनिशमेंट्स इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे कि चार्ल्स समर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने एक ग्लास पानी गिराने की वजह से बच्चों को पनिशमेंट दे दी कि वो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे। ये बहुत ही अनहाइजीनिक होने के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी है, बच्चों को सीरियस बीमारी हो सकती है। और फिर वॉशिंगटन के एक स्कूल में बच्चों को लिटरली आइसोलेटर चैम्बर में रखा जाता था। ये बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा कि वो डिसेबल हो सकते हैं। और हैदराबाद के इस स्कूल के पनिशमेंट ने तो हद ही पार कर दी। एक 11 साल की लड़की ने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना था, और उसके पास इसके रीजंस भी थे, लेकिन वो सुनने से पहले ही
थी, स्कूल के लोगों ने पनिशमेंट दे दी और उसे लिटरली मेल वॉशरूम में खड़ा रखा गया था। सोचिए ये उस लड़की के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग हुआ होगा। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है क्या हुआ जब एक कार को 150 फीट की ऊंचाई से ट्रैम्पोलिन पर गिराया गया? कैसे एक रोड के खड्डे ने इस मरे हुए शख्स को जिंदा कर दिया? आजकल के चिप्स के पैकेट्स में हवा कम क्यों आ रही है? कैसे अगर आप इस नंबर को डायल करोगे तो आप इस दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव नंबर को डायल कर रहे हो? कैसे एक इलेक्ट्रिशियन आपको आपके स्कूल का टॉपर बना सकता है? कैसे ये शख्स 4 दिन तक अपनी मौत के साथ पार्टी कर रहा था और इन कमाल की चीजों के बारे में आपको नहीं पता था? जानने के लिए इस वीडियो को देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।